तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 के यूज़र्स के लिए सैमसंग की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। फाइनली इस डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 12 विद वन यूआई 4.0 का लेटेस्ट अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। सैमसंग की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है दोस्तों। इस डिवाइस में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 विद वन यूआई 4 देखने को मिल चुका है फाइनली। और इसके अपडेट की जो फाइल है वो तकरीबन 2 GB की है, और इसमें आपको 1 मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच भी इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस अपडेट में आपको 4.0 का एक लेटेस्ट UI और इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस UI में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिलेंगे नए वाले, और हर एक चीज़ जो है एनिमेशन से भरी हुई है। नए विजुअल्स आपको इसके एनिमेशन में भी देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि कुल मिला के वन UI 4 जो है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट इंटरफेस के साथ जो है आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसके स्क्रीन पर रीडिजाइनेबल विजिट्स जो है देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि जो इसके विजिट्स है आप उन्हें रीडिजाइन कर पाओगे, अपने तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे और उन्हें सेट कर पाओगे। इसके अलावा इसके लॉक स्क्रीन पर भी आप डिफरेंट जो है विजिट्स का यूज़ कर पाओगे, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डर का विजिट्स आप इस पर सेट कर पाओगे। इसके अलावा इसमें आपको मंथली कैलेंडर का भी विजिट्स देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लॉक स्क्रीन से ही मंथली कैलेंडर को भी देख पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अपने स्मार्टफोन के वॉलपेपर्स, आइकन्स या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आप कितना जो है डार्क मोड रखना चाहते हो या फिर नहीं रखना चाहते वो आप इसमें सेट कर पाओगे। और इसके अलावा डार्क मोड को शेड्यूल भी कर पाओगे कि कब आपको डार्क मोड चाहिए और कब नहीं चाहिए, तो ये भी इसमें एक कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कई सारे AR इमेजेस वगैरह आप सेट कर पाओगे, वॉलपेपर्स वगैरह भी आप सेट कर पाओगे अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। इसके अलावा इसके UI में जो ब्राइटनेस का जो बार है वो आपको इस बार थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, जैसे कि Xiaomi वगैरह अदर कंपनीज के UI में देखने को मिलता है, बिल्कुल वन UI में भी इस बार आपको ब्राइटनेस वाला जो बार है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, जिससे कि आप अपने ब्राइटनेस को अपने तरीके से कंट्रोल अच्छे से आप कर पाओगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको न्यू चार्जिंग इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि अगर आप चार्ज पे लगाते हो अपने स्मार्टफोन को तो आपको डिस्प्ले पर न्यू चार्जिंग इफेक्ट्स का भी अनुभव होगा इसके इंटरफेस में। और साथ ही इसके सैमसंग कीबोर्ड में भी आपको अपडेट देखने को मिलता है, यानी कि इसके सैमसंग कीबोर्ड में नई इमोजीज, नई जीप्स वगैरह का सपोर्ट जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें कई सारे आपको एनिमेटेड स्टिकर का सपोर्ट भी इस बार देखने को मिलने वाला है, जो सैमसंग कीबोर्ड में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मल्टीटास्किंग में भी कुछ फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, कई सारी एप्लीकेशन को जो है रैम में जो है रन बैकग्राउंड में करते हो, तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो उन्हें पिन करके रख सकते हो, और उनको पिन करने के बाद बाकी जो फालतू एप्लीकेशन रन कर रही है उन्हें रिमूव कर सकते हो, और जो पिन की हुई एप्लीकेशन है वो वहीं पर रहेगी, वो रिमूव नहीं होगी। और साथ ही इसके डिजिटल वेलमिंग में आपको ड्राइविंग मोड भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप ड्राइविंग टाइम पे अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो उसका भी जो है डाटा आपको ये डिजिटल वेलमिंग में ड्राइविंग के दौरान वो जो होगा वो इसमें शो करेगा। इसके अलावा इसका क्लॉक में भी नया फीचर आपको चेंजेस कुछ देखने को मिले, यानी कि क्लॉक का जो विजिट्स आप स्क्रीन पर यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका कलर वगैरह और इसका जो पीछे का जो एनिमेशन है वो चेंज होता रहेगा, जैसा वेदर आपके एरिया में रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से उसके क्लॉक का जो बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप मौसम का पता भी लगा सकते हो कि बाहर का मौसम कैसा चल रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में उसी तरह का एनिमेशन जो है शो करेगा। इसके अलावा इसके मैसेजेस में भी जो है नया फीचर ऐड किया गया, यानी कि इसके मैसेजेस में कुछ भी आप सर्च करते हो तो मैसेज के साथ साथ जो भी आपने वीडियोस वगैरह फोटोज वगैरह शेयर किए होंगे वो सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स में शो करेगा वो, तो ये एक अच्छा फीचर जो है दिया गया है इसमें। इसके अलावा इसके माई फाइल्स के सर्च फीचर को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, यानी कि कुछ भी अगर आप डाटा फाइल सर्च करते हो तो अच्छा रिजल्ट उसमें देगा, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो है आपका डाटा जो भी होगा उसमें शो करेगा। इसके अलावा डिस्प्ले के एज पैनल्स को भी एनहेंस किया गया, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो कई बार क्या होता है कि वो पूरे डिस्प्ले में शो नहीं करते, ऊपर नीचे आपको बेजल्स या पट्टियाँ वगैरह दिखाई देती है, तो इसमें एज पैनल्स को भी जो है इम्प्रूव किया गया है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन है तो ये पूरे के पूरे डिस्प्ले में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, इस तरीके से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है एप्लीकेशन का वो आपके डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिसाइजेबल पिक्चर इन पिक्चर मोड का फीचर आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसके पिक्चर इन पिक्चर मोड में अगर आप कोई भी जो है यूज़ करते हो एप्लीकेशन तो वो उस पिक्चर इन पिक्चर मोड को आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, हालांकि पहले ये ऐसा नहीं होता था। तो ये बहुत सारे मेन फीचर थे जो कि एंड्रॉयड 12 विद वन UI 4.0 के अंदर आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले हैं, हालांकि और भी बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर
आपके पास भी सैमसंग गलेक्सी M31 स्मार्टफोन है तो आप भी अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर इस अपडेट को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद 2 GB का ये तकरीबन अपडेट आपको एंड्रॉइड 12 विद वन UI 4.0 का देखने को मिलता है। आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके बाद ये सारे फीचर नए और विद वन UI 4 का नया इंटरफेस, नया UI आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा और आप इसे जो है इंजॉय अपने स्मार्टफोन में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिग न्यूज़ निकल गया थी सैमसंग गलेक्सी M31 के लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 विद वन UI 4.0 के लेटेस्ट अपडेट की। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को भी ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।